तो हेलो गाइस, मैं हूँ हैरी पॉटर। आप देख रहे हैं गेमिंग विद पॉटर। तो गाइस आज हम वापस से खेले और गाइड सीरीज। तो गाइस ये अपने आप ही मुंह चला रहा है, देख रहे हो? ये अपने आप ही मुंह चला रहा है गधा कहीं का। रुक जा भाई, अपने आप मुंह नहीं चलाते। टिक 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 टिक। ओनली अगर आपको नहीं मालूम मुंह कैसे चलाते, तो बी बी होल्ड करे रहिए। बी होल्ड करे रहेंगे तो ये मुंह चलाता रहेगा एक्चुअली। तो गाइस आज हम पहले स्टार्ट करने से पहले ये देख लीजिए, हमने थोड़ा सस्ता सा घर बनाया है। वैसे है तो सस्ता सा घर, और यहाँ 4 बेड लगाए और एक बीच लगाया है ऐसे ही टाइम पास के लिए। और ये हमने 3 फौज लगाए। और अगर ये घर वैसे टट्टी घर है, वैसे भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम थोड़ा अच्छा घर बनाने की कोशिश करेंगे। और रुको, थोड़ा सा इस मीट ले लेता हूँ भाई। मीट नहीं है अपने पास, 41 हो गया था गाइस। थोड़ा सा हाफ करके इसमें डालता हूँ, थोड़ा स्पॉइल मीट अपने पास रखता हूँ मैं, और इसको फेंक देता हूँ। फेंक देता हूँ, इसमें मीट कुक कर देता हूँ। अरे पूरा ही डाल देता हूँ इससे अच्छा मैं। तो गाइस हमने थोड़ा सा चेंज किया है, हमने अपग्रेड स्टेशन का मॉड डाला और प्लस का मॉड डाला है, और कुछ नहीं। और हमने थोड़ी हार्वेस्टिंग स्पीड लो कर दी, कि हमने एस प्लस का मॉड डाल के रखा है ना, तो हार्वेस्टिंग स्पीड कम कर दी है और हार्वेस्टिंग अमाउंट कम कर दिया है। और एक्चुअली टेमिंग स्पीड हमने शायद 10 की कर दी है, 10 की नहीं ओनली 5 की की है। तो उसके हिसाब से बहुत ही टाइम लगने वाला है अपने को टेमिंग में भी और हार्वेस्टिंग में भी। तो थोड़ा हार्ड कोर कर दिया है मैंने और थोड़ा इजी पीजी कर दिया है। और अपग्रेड स्टेशन से एक्चुअली हमने ये अपग्रेड किया है वेपन, ये वाला अभी अभी ज़्यादा नहीं अपने को। हाँ यार, ये मैं एक्चुअली मैंने वीडियो एक बार रिकॉर्ड की थी, तो उसमें थोड़ा वॉइस ग्लिच हो गया था, तो मुझे वापस से करना पड़ा। वैसे मैंने किया था तो वीडियो में ये सब मैंने अपग्रेड कर दिया, बाद में देखा कि आवाज़ ही नहीं आ रही थी। मतलब मैंने तभी, देख रहे हो, ये ऊपर ओवरले स्टार्ट कर दिया अपना, कि मेरे को पता चलता रहे कि जब तक आवाज़ आएगी तो मेरा वो शाइन होता रहेगा। इसीलिए थोड़ा सा मेरे को केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आवाज़ बार बार ग्लिच हो रही थी मेरी। तो मैंने डिस्कॉर्ड का ओवर प्ले स्टार्ट कर दिया। ओवर ले कहते हैं कि ओवर प्ले, आई डोंट नो गाइस। तो गाइस आज हम करने वाले हैं स्टोन फार्मर टेम और वुड फार्मर टेम। एक्चुअली वुड फार्मर जो कि होता है वो कैस्ट्रॉइड होता है, स्टोन फार्मर डेक्लो डेक्लो कुछ ऐसा ही नाम होता है उसका। उसको मैं दिखाऊंगा वो कैसा दिखता है। अगर आप, वैसे आप तो हमसे ज़्यादा ही जानते हैं, क्योंकि बहुत ही प्रो बनते हैं यार आप लोग तो। वैसे मैंने सोचा है कि मैंने थोड़ा अपना हेल्थ में इश्यू करा है, मतलब थोड़ा हेल्थ बढ़ाया है, और स्टेमिना का, स्टेमिना 500 हो गया पता नहीं कैसे। मैंने एमएज और अल्ट्रा स्ट्रैक तो मेरे को डाला ही था, तो मज़ा ही आने वाला गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो गाइज जल्दी से जल्दी मज़े ही मज़े करके लाइक कर देना, और जो नीचे बेल आइकन है उसको भी दबा देना। और हम बिना किसी बकवास करें चलो चलते हैं। वैसे हमारा पैट्रा मर गया था, और ये देखिए डू डू, ओ भाई अंडा दे रहा है भाई। अंडा रखो किब्बल बनाने काम आएगा भाई साहब किब्बल। ये हमें ये चीज़ देख रहे हो ना, ये इतना सा स्पार्क पाउडर एक सामने हमारे ड्रॉप था तो उससे मिला है, और मैंने थोड़ा स्पॉइल मीट इसमें भी रख दिया है, और रख देता हूँ। वैसे स्पॉइल मीट स्पॉइल होने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि स्पॉइल होता ही नहीं है एक्चुअली। मैंने शायद ऑफ करके रखा है स्पॉइल मीट, स्पॉइल ऑफ फिर से हो जाए तो ये अच्छी बात है। वैसे मेरे को एक पैट्रा टेम करना पड़ेगा एक्चुअली गाइस। पैट्रा के लिए हमें बोला चाहिए एक्चुअली, तो बोला बोला एक ही बनेगा। वाह, एक और बनाना पड़ेगा बोला। और हम थोड़े से एरो बना लेते हैं। और क्राफ्टिंग स्पीड कितनी है, 120 ही है साले को मेरी, और 76 लेवल हो चुके हैं मेरे, तो ये बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ की बात है गाइस। 5 बोला मॉर्स बनाता हूँ मैं शायद से। हाँ बन जाएगा, नाइस। ये फ्लिंट 50 50 शायद से बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, ये अबे 12 ही बनेगा। तो अपने को बहुत ज़्यादा ही फार्मिंग करनी पड़ेगी गाइस। जो आ रहा है हेडफोन, दिन भर लगाते लगाते मेरा तो पूरा हालत ख़राब हो जाता है थोड़ा सा। वैसे देख सकते हो हमने थोड़ा कर दिया है अपना जुगाड़ उगाड़, तो थोड़ा कम फार्म करेगा ये। तो ये देखो एक एक वुड कर रहा है एक मुक्के में, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा ही आने वाला है इस सीरीज में गाइस। तो ये पहले बन जाए तभी हम चलते हैं डायरेक्ट ही पैट्रा टाइम करते हैं। पैट्रा
एट्रा, वो उससे बच के रहना पड़ेगा। क्या नाम है उसकी, और पंछी से साली हराम खोर होती है ये। तो वो अपना पेट्रा है क्या? हाँ पेट्रा। कितने लेवल का है वो भाई? 4 लेवल के डायनो क्यों स्पॉन हो रहे? मैंने तो डिफिकल्टी 2 करके रखी थी, और शायद से आई डोंट नो गाइस, 4 लेवल के क्यों मुझे नहीं मालूम एक्चुअली, 4 लेवल के क्यों हो रहे हैं वो मेरे को देखना पड़ेगा एक्चुअली, क्या दिक्कत है 4 लेवल के यार, हद है यार 4 लेवल के। ब्रोंटो 71 लेवल का है मेरा, 4 लेवल के देखना पड़ेगा शायद से, मुझे और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और 500 तक के तो मैक्स मैक्सिमम मेरे को 300 लेवल के डायनो चाहिए, तो थोड़ा ठीक रहेगा। अरे बन जाना भाई। और मैंने ये देखो, ये भी एक्सीडेंट किया था, ये इसको एक्सीडेंट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ओनली ऐसे ही हो जाता है एक्सीडेंट, ईजी है गाइस। अब मैं अंडा रखना भूल गया क्या वहाँ पर? मैं अंडा रखने गया था, अंडा ही भूल गया मैं, कितना नाइस। ये अंडा रख दिया मैंने, स्पॉइल नहीं होगा बीन। और मैंने सोचा है कि आप लोगों को अगर नहीं मालूम कि हम लोग कैसे फार्मिंग करेंगे, तो वो वीडियो मैं अगले एपिसोड में बनाऊंगा कि हम इसमें फार्मिंग करके कैसे कैसे अच्छी अच्छी चीज़ें उगा सकते हैं और उससे किब्बल बना सकते हैं एक्चुअली, तो वो मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। इस एपिसोड में मैं जो टेम करने वाला था वो, उसके लिए मेरे को पेट्रा चाहिए। रुको रुको भाई, नहीं, देखो ये फोकट का मिल रहा है तो फोकट का टेम कर लेता हूँ मैं। गया फट से हेडशॉट, फट से हेडशॉट, फट से हेडशॉट, रुको फट से हेडशॉट, रुको 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 रुको, क्या क्या चाहिए इसको यार? मीट चाहिए, मीट तो अपने, अरे रुको रुको, अरे मैं तो भूल ही गया यार, मैं ये नार्कोटिक्स रख दूँ अगर मैं मर गया तो। ऑसम टेलीपोर्टर मैंने नहीं लगा के रखा है एक्चुअली, थोड़ा डिफिकल्टी के लिए, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा गेम अगर ऑसम टेलीपोर्टर बन गया तो, इसीलिए मैंने ऑसम टेलीपोर्टर नहीं लगाया गाइस। तो ऐसा करता हूँ, अरे साला ये लो कर लो, नार्को मैं एक्चुअली इसको हाफ कर रहा था, ये स्पॉइल 1 हो गया ना, और हाफ कर देता हूँ, और हाफ करके 20, चलो 46 रख लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, 46 ही ठीक है। इतना इसलिए रख रहा हूँ कि थोड़ा रहेगा, कोई नॉक वॉक हो गया तो, वैसे मेरे को लगता नहीं मैं इस फालतू से इसको टेम करना चाहिए, क्या करेगा ये, रुको इसको मार के इसका मीट ले लेता हूँ। चलो वो रहा पेट्रा, पेट्रा ये बदतमीजी करने आएंगे मुझे मालूम है, रुको एक ही बार में ही टेम होगा शायद से। फट से गया गया गया, एक ही बार में गया, एक ही रॉ मीट लगेगा क्योंकि 4 लेवल का है ना गाइस ये, एक ही रॉ मीट लगेगा, और रॉ मीट दे दिया मैंने, रुको फूड ड्रेन हो रहा है, बहुत जल्दी होगा शायद से। 4 लेवल का पेट्रा टेम कर लिया हमने, अभी किया नहीं है, हो रहा है भाई जल्दी हो जा। फूड कितना है इसका? फिर भी 1.4K फूड है, लेकिन लेकिन ये देखो भाई हेल्थ इतनी कम है, 294 है। अल्ट्रा स्टैक की वजह से सायस से यार इसका स्टेमिना भी बहुत कम है, इसका स्टेमिना भी बहुत कम है यार एक्चुअली, बहुत ही कम है। कितना लेगा भाई, जल्दी हो जा इसको टेम। ओ भाई गाइस वो देखो कौन है भाई, यार ये मंगता रहे अपने को यार, लेकिन यार ये बहुत ही हार्ड होता है टेम करना, अभी तो मेरे लिए बहुत ही हार्ड है। मैं जब उस काबिल हो जाऊंगा ना गाइस, जब मैं उस काबिल हो जाऊंगा, रुको मैं लेके आता हूँ सैडल, सैडल लेके आता हूँ, इधर ही से निकल लूंगा मैं डायरेक्ट, डायरेक्टली निकल लूंगा। यस दवाई एक ही रखा होगा, चलो ये वाला सैडल चलेगा,
24 है ना, इसको संभाल के मैं इसमें रखता हूँ। और हाँ यार, मैं सोच रहा था फ्लिंट, रुको रुको 2 मिनट, फ्लिंट और स्टोन ना। ओके ओके, मैं थोड़ा सा मतलब और बना लेता हूँ ना। वो क्या कहते हैं, पूछ है क्या, मैं डर ही गया, क्या चीज़ है। मैं थोड़ा और ज्यादा बना लेता हूँ स्पार्क पाउडर। स्टोन क्यों फार्म हो रहा था यार, कोई इधर से फ्लिंट फार्म करता हूँ। नाइस नाइस, ये मार डाला, मार जल्दी, दूसरा ग्रीन ग्रीन पर सोने लगता है ना। स्टोन फार्म करना है एक्चुअली, इसको एसिडेंट कर देंगे। आई डोंट नो कितना फार्म करेगा, कितना फार्म कर सकता है गाइस, आपको क्या लगता है 2x में? नाइस, चलो इतना ही काफी है। 2x की 5x रखना चाहिए था यार, मैं 2x बहुत ही ज्यादा कम है एक्चुअली, बहुत ही कम है। अगर आप ऑफिशियल सर्वर में खेलोगे ना भाई साहब, तो आपकी फट के हाथ में और छाट में, मतलब छाट छाट CH वाला छाट, कुछ और मत समझ लेना तुम लोग। बहुत तेज हो रहे हो, क्या समझा वैसे, कर रहा था मैं। रुको 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 रुको, कहाँ गया फ्लिंट, स्टोन कहाँ गया भाई, स्टोन ये रहा, स्टोन डायरेक्टली डाल देता हूँ मैं इससे। अच्छा क्राफ्टिंग कितना बनेगा एक में, नाइस बन रहा है, दो दो, चलो इसको बनने देते हैं। और वो शायद से टेम हो गया होगा, वो देखो टेम हो गया। कितना लेवल मिला भाई, 2 ही लेवल या 1 ही लेवल मिला होगा, कब दिखाएगा भाई। चलो 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 चलो, सुबह गोरे गोरे पहाड़ों के नीचे आसमां को छुपे निकले, पहाड़ों की नैन कटारी, चांद पर भी नाचे हम। हाँ 1 ही लेवल मिला, नाइस। ओ भाई इसका कलर देख रहे हो भाई, इसका कलर देखो यार, पहले तुम कलर देखो, क्या खतरनाक लगने लगता है इस सैडल पहन। वैसे मुझे नहीं लगता इससे हम जा पाएंगे, इससे अच्छा हम पैदल ही चले जाएं। ब्रोनेक्स मेरे को टेम करना चाहिए क्या, मच्छी मच्छी की दुकान 3.4 के। ओके इसको टेम करने की कोशिश करता हूँ मैं। भाई बैठ जा और पैसिव हो जा, तू पैसिव भी रहना, तू फालतू पना करेगा तो बहुत मार खाएगा। इसको बिना बिना भाई, ये आ गए आ गए, ये हराम खोल लूँ। जाए भद्रकाली, भद्रकाली का है ये, देख रहा है तू, अबे इस साले ये ले, हसिया काटे तो भद्रकाली कृपा है हमारे ऊपर, ये ले गर्दन काट देंगे इसे, फंसा के तुम्हारी गर्दन में कुछ भी, ये ले ये लो साले, भद्रकाली के औजार से पंगा, ऐसे मारेंगे खींच के मुंह के दांत। भाई स्पाइनो तो नहीं है, हम लोग वो भी टेम करेंगे एक्चुअली, हमें ये भी चाहिए ना। ये एक्चुअली मिल गया तो हमें वाइल्ड डाइनो जो होते हैं ना वो थोड़े से, मर गया मैं मर गया मैं मर गया रे मर गया मर गया मर गया, अबे मर गया। चादर मोड़, अरे नहीं यार नहीं यार नहीं यार नहीं यार नहीं यार, मेरा भाई 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 बच गया, बाल बाल बच गया, बाल बाल बच गया भाई, खाल खाल क्या, बाल बाल बच गई। यहाँ से एक भी लग जाता तो भाई मजा ही आ जाता। लग जा भाई, नहीं लगेगी यहाँ से ना एक्चुअली, बात ये है बात ये है बात ये है। अरे इसको छोड़ते, उसको तो चलते हैं टेम करने। और हमने यार सॉल बॉल का वो भी बना है, वो मॉड भी डाला था, मैं भूल गया बताना यार, शिट मैन। तो सॉल बॉल अनलॉक कर लेते, ये इसलिए बनाया ना गाइस, हम लोग हटा देंगे ये सॉल बॉल, तब हटाएंगे जब हमारा वो अनलॉक हो जाएगा, मतलब वो काबिल बन जाएंगे हम लोग बनाने के। दूसरा जो इसके इटर्नल में मिलता है, इटर्नल कह रहा हूँ, अरे एक क्रायो पॉट होता है, क्रायो पॉट एक्चुअली उसको चार्ज भी करना पड़ता है, तो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है।
हार्ड मतलब महंगा पड़ जाता है, तो मैंने यही कर लिया, एक ही क्रिस्टल सा बनता है। तो अरे यार मुझे कैसे उतरूंगा, नाइस उधर ही से जाना पड़ेगा घूमने, तेरी ऐसी की तैसी दौड़ो, उधर ही से जाता हूँ उधर ही से। नाइस इसकी माँ की यहाँ किधर ही घूम रहा है, कैसे कूदूँ, नहीं मेरे पास नाइस ऐसी जगह आया है ना ये, इसी जगह मांगता मैं इसको, इसी जगह मांगता था मैं इसको। अरे यार मेरी एरो बर्बाद करा रहा, रुक साले रुक, ही गया गया गया, कहाँ गया लेकिन, गिरा। अरे यार पड़ जा भाई, भाई पड़ जा पड़ जा पड़ जा पड़ जा, पड़ गई हेड पे पड़ी है क्या, नाइस नाइस, हो सकता है ये गेम नाइस। 3 ये भागने वाला है, ये भागेगा भी, बहुत तेज भागता है गाइस ये, रुक। अरे और नहीं, ज्यादा फॉल नहीं पड़ा। अरे पिराना तेरी माँ की नाक, भाग यहाँ से, वो देख कितनी तेज निकल रहा है साला ब्रोनिक्स का बच्चा। रुक रुक रुक, इसको टेम करके इसी को ले जाएंगे वो डीलो टेम करने, रुक ना साले, कहाँ भागेगा मेरे से, बच के भागेगा, गया। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, टेम टेम करने के लिए फिश मीट चाहिए, रुको फिश मीट लाता हूँ मैं, खाना खाता हूँ पहले, फिश मीट भी लाऊंगा खाना भी खाऊंगा। आओ बेटा पिराना, तुम्हारी अब मौत आई है, हट साली, मारती है मेरे को, रुक इधर आ। अरे साली कहाँ जा रही है, किराना की बच्ची सुअर, रुक पिगी, रुक मोशन में ज्यादा ही बह जाता हूँ, क्या करूँ दिमाग खराब होता है इनके ऊपर मेरे, बार बार यही ऐसी ऐसे लोगों के ऊपर गुस्सा आती है मेरे को, तो फ्लो फ्लो में कुछ भी निकल जाता है मेरे को। नाइस ब्रोनो, ब्रोन क्या नाम है इसका, बरियोनिक्स, बरियोनिक्स ऐसा कर, इधर आ पेट्रा, तू पेट्रा इधर आ, वैसे तू किसी काम का नहीं है लेकिन फिर भी तेरे को रख रहा हूँ मैं, तो मेरा एहसान मान, इसको मार पहले, इसको मार पहले, मार इसको, कितना डैमेज दे रही है भाई साहब, कितना डैमेज दे रही है भाई, मैंने डैमेज में कुछ भी नहीं छेड़खानी करी, अपने आप ही दे रही है। चलो ये भी सही है यार, आजा आजा फिर, क्या भाई डैमेज थोड़ा कम करना पड़ेगा इसमें, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिए भाई, और देखना पड़ेगा साले को परफेक्ट बनाना पड़ेगा मेरे को, और लास्ट में मैं सब फिक्स करके आपको मैं दिखा सकता हूँ कि सोलो में आप अगर खेलोगे तो सेटिंग कैसे कर सकते हो, तो मैं बाद ही दिखाऊंगा ये सब चीज़ें। रेयोनिक्स का सेडर, इसमें नहीं है बरियोनिक्स सेडर, बरियोनिक्स पर नहीं है, नॉर्मल बैरियोनिक सैडल लगेगा, बैरियोनिक सैडल तो इसमें बनेगा, बैरियोनिक सैडल ये देखा ही नहीं मैंने, बनेगा क्या, नहीं बनेगा बैरियोनिक, कितना 25 मेटल, ओ भाई कर लो बात, 6 मेटल और हाइट लगेगी, 6 मेटल, रुको मेटल लेके आता हूँ, तो मेटल मेल्ट करने के लिए नहीं रखे मैंने, थोड़ा सा हार्ड हो गया यहाँ पे। डेरियोनिक्स बेटा, अरे वो मच्छी बहुत तगड़ी फार्म करता है, ये एक्चुअली मारती नहीं है, पैसिव टेम होती है, आप इसके इन्वेंट्री में
क्या बात कर रहे हो, क्या ही बात कर रहे हो। तो मैं सही रहूं, मैं सही रहूं, ये भी सही है साला। तुम अनफॉलो कर दिया तुम्हें, तुम्हें पैसिव कर दिया, अब तुम मरो चाहे जियो हमसे, मतलब टेम कर लिया बस तुमने। 7 मेटल मिल गया नाइस, 12 और चाहिए बे मेरे को। इतना इतना कम कम क्यों दे रहे हो बे, थोड़ा ज़्यादा दो, जल्दी जल्दी काम करो। और कितना हो गया टेम, कितना लेवल का पैटरा, इसको भी टेम कर लूंगा। अबे 8 लेवल के पैटरा क्यों मिल रहे हैं भाई, पैरासोरस मिल चाहिए अपने। वो पेरियोनिक टेम हो गया, पेरियोनिक इधर आ भाई, तू मेरा भाई यार, चल आ जा आ जा। इसकी एबिलिटी दिखाऊंगा गाइस पानी के अंदर की, भाई क्या ओपी डाइनो है यार ये, ओपी डाइनो है, मतलब कसम से मज़ेदार डाइनो है ये। बहुत जल्दी हमने टेम कर लिया इसको। इसको एक्चुअली जब मैं केव में जाऊंगा ना, तो इसको इसको नहीं और हाई लेवल का जो टेम करूंगा पेरियोनिक्स ना, तब उसको लेके जाऊंगा केव में। तो यहीं रुक भाई मेरा भाई, हाँ तू मेरा भाई है। इसका नाम गाइस कमेंट मेरे को सजेस्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, मैं रख सकता हूँ कोई भी नाम अगर आप दो तो। कोई नाम तो देता नहीं, कुछ है बंदे मुझे अच्छे लगते हैं जो नाम देते, तो नाम दिया करो भाई। मैं वैसे इसमें मेटल डालने वाला था। नाइस नाइस, लाइट फायर ये नहीं, वुड डालूंगा रे, चारकोल मिलेगा, चारकोल अभी काम आएगा अपने को गन पाउडर बनाने के। तो अपने डार्ट वर्ट जब बनेगा ना भाई, डार्ट में काम आएगा चारकोल, चारकोल बनाने के। मैं अभी से इकट्ठा करना शुरू कर दूँ, तो कभी भी चारकोल वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आप पीवीपी खेल रहे हो तो चारकोल बहुत यूज आता है आपको पीवीपी में। ओ भाई अब ये गया साला पार्ट से। अब भाई कितना ज्यादा नाइस, इधर आ पहले तू, मर गया मर गया। चादर मोड ऐड भी हो गया, नहीं मैं डाल दूँ वुड 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 वुड, मुझे लग क्या वुड भाई, तो रखता हूँ और थोड़ा मीट खा ले। नाइस, बहुत जल्दी भूख नहीं लग रही मेरे को, मेरा लेवल भी अब नहीं आ रहा एक्चुअली। मैंने एक्सपी मल्टीप्लायर बहुत कम करके रखी है, मतलब बहुत ही हार्ड हो गया एक्चुअली। एक एक लेवल के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी गाइस, अब बहुत धीरे धीरे लेवल अप होगा मेरा। मतलब यार क्या ही करूँ मैं, मैंने सोचा है थोड़ा हार्ड करता हूँ मैं, और थोड़ा हार्ड के साथ थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड कर दिया। तो थोड़ा कल मैं इसको देख लूँगा, सब फिक्स कर लूँगा इसको। पहले तो यार मेरे को ब्रायन सैडल बनाना है, हो गया क्या? 2 मेटल इनकट और चाहिए, नाइस 2 मेटल इनकट दे दे भाई। ओ रोनिक, इसको लेके चलता हूँ एक फार्म करके लाता हूँ। कर रहे हो भाई क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ बार बार, कभी एक चाहिए कभी दो चाहिए, एक बार बता दो ना। वैसे मैं डायरेक्ट वहाँ से यहाँ ला सकता हूँ, लेकिन उतना कष्ट कर नहीं करना कर। चलो अब तो बन जाएगा ना, हाँ बन गया भाई। पेरियोनिक सैडल बन रहा है, पेरियोनिक सैडल बन रहा है नाएं, नाएं, नाएं। वैसे आई डोंट नो गाइस ये नीचे का क्या हो गया है, ये ग्लिच क्यों है, ग्लिची ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ना थोड़ा थोड़ा, तो इसका आ रहा है लेकिन आके चला जा रहा है। तो बन गया, तो 91 क्रिस्टल है। वन क्रिस्टल कंज्यूम करता, रुको और ले लेता हूँ और थोड़े से और बना लेता हूँ। चल अपने साथ 2-3 हरदम रखे रहिए करें, पता चले कम पड़े, पहले ही से रख देता हूँ भाई। बैरियोन ताजा, रुको क्या कहता था सैडल, बैरियोनिक्स बैरियोनिक्स, ये क्या चीज़ है वे, ए मेंटा मरी। ओ भाई क्या अभी 1600 डैमेज अभी से, 1600, रुको जरा सब्र करो
इतना ज़्यादा डैमेज भाई, थोड़ा मूवमेंट भी बढ़ाऊंगा और इसको थोड़ा बूस्टअप देता हूँ। ओ भाई नहीं, जल्दी जल्दी हो रहा है। इसको फिशी मीट खिलाइएगा गाइस, ये एक्चुअली फिश मीट जल्दी खाता है। इसको और कोई मीट दोगे तो ये उतना नहीं खाएगा, भूखा मर जाएगा। इसको फिश मीट चाहिए। ओ भाई क्या डैमेज दे रहा है, क्या बात है। और इसका इसका देखो, इसका ये अटैक, ओ भाई क्या अटैक है भाई ये देखो। ये अगर एक साथ 20-30 मछलियाँ हैं ना एक ही साथ निपटा लेगा अपनी पूंछ में, तो ये अच्छी चीज़ है। और ये वेदर मेरे को ये आइलैंड में सबसे घटिया लगता है एक्चुअली, ये वेदर से मुझे सख्त नफरत है। तो मैं इसको थोड़ा स्पीड में दूंगा और थोड़ा पहाड़ साइड जाऊंगा, इधर साइड जाता हूँ, इधर जाता हूँ। और ये वेदर यार कब ख़त्म होगा, आई डोंट नो गाइस। ये वेदर सबसे घटिया लगता है मेरे को। मैं टार्च लेके जाऊंगा, टार्च लेके जाऊंगा भाई। कितना है, फेरी है भाई। मैप मेरे को नहीं करना रे। एफ दबाइएगा तब इसकी इन्वेंटरी डायरेक्ट खुल जाती है, अगर आप इसके ऊपर बैठे हो, या फिर इसके क्लोज जाके आप एफ दबा सकते हो। फेरी भी ऐसी की तैसी करता हूँ, निकल। ओ भाई रॉ मीट मिल गया। और सिर्फ पानी के अंदर ये राइट क्लिक वाला अटैक यूज़ करता है, मैं पहले बता देता हूँ, तो आप देख के यूज़ करिए। जी अगर पता चले आप पानी के बाहर कर रहे हो राइट क्लिक वाला अटैक, तो ये करे ना, तो आप मर सकते हो। इधर आया हूँ मैं, इधर एक्चुअली मैं आया किस लिए था, मेरे को पहाड़ साइड जाना था। तो थोड़ा आज थोड़ा मैप एक्सप्लोर कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने सोचा था आज कुछ और ही। अभी फॉल डैमेज कितना है, फॉल डैमेज, ओ भाई साहब, ओ भाई लिटरली लिटरली, ये देखो ये वाला मीट नहीं खाता ना, ये खाता है उतना तेज, सिर्फ फिश मीट ज़्यादा तेज खाता है। तो इसको फिश मीट दीजिए गाइस। लिटरली भाई 400 ही बची थी, अभी तो रिप हो जाता मेरे साथ, मतलब रिप बच गया। मैं पता नहीं ऑयल क्यों लेके आया हूँ अपने साथ, गैसोलीन, सॉरी भाई। बाल बाल बच गए, बाल बाल बच गए। रुको इसको पूरा फुल कर लूँगा मैं। तो गाइस एक्चुअली ये इसने मारा था साले, स्नेक का बच्चा, कुत्ता का, और हमने ऑलमोस्ट इसकी आधी से हल्की 1% हल्की ऊपर 6 यानी 7000 तक का कर लिया है। और मैंने ऑलमोस्ट इसको इतना मीट खिला दिया, 600 था अपने पास, 700 या 800, तो समझ सकते हो बहुत टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा मैं इसकी 165 हो गया नाइस, थोड़ा सा ये बढ़ा देता हूँ, पता चले हो ही ना तो हो गया। चलो गामा थोड़ा कम लग रहा है क्या, गामा बढ़ा दूँ क्या गाइस, गामा 3 नहीं कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो गया गामा 3। अरे यार क्या दबा देता हूँ मैं, 2.2 कर देता हूँ, नाइस, इतना शायद से ठीक है। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। भाई क्या कर रहा है यार, इधर चले गैचा मारने, गैचा मारूंगा, गैचा मारने से स्टोन मिलता है। नाइस भाई, ये देखो स्नेक। अरे ये हरामी मेरे को ऊपर ही से उठा लेगा, इसलिए पहले इसके ऊपर अटैक मारो। ओ भाई टाइटन बोआ वेनम मिला, तो टाइटन बोआ मारने के बाद वेनम मिलता है, तो ये भी याद रखिए गाइस। ओ भाई आग लगा दी। ओ भाई मेरा भाई तू नहीं है, मेरा भाई है तू यार। कोई भी अटैक करेगा अंडी बंडी सडनी आ जाओ, तो किसके अंदर दम है। भी रुको इसको ओपी बना दूंगा मैं, आ जाओ भाई आ जाओ, सबकी मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। आप देखे कितना डैमेज दे रहा है। ओ भाई ये रहा ये कितने लेवल का है ये। अच्छा ये बिल्ज बफ है, ये नहीं चाहिए एक्चुअली हमको। ओ 8000 का डैमेज देने लगा, नाइस। हमें एक्चुअली कैस्ट्रोराइड चाहिए, ऐसा ही दिखता है एक्चुअली वो भी, कैस्ट्रोरॉइड। ये कितने का है, खड़े खड़े इस कर ली मैंने भाई, गेम फिनिश कर देगा ये, अकेले ही गेम फिनिश कर देगा ये, नाइस।
भाई बॉल फाइट में इसको ले जाओ तो ये, लेकिन इसका हेल्थ बहुत जल्दी निकल जाएगा, मतलब जल्दी स्वर्ग सिधार जाएगा, तो इसको नहीं ले जाऊंगा कभी भी बॉस फाइट के लिए। तो अपने पास बहुत सारी मच्छी का मीट हो गए, मच्छी का मीट खिला देता हूँ मैं इसको, और स्किन भी मिली थी टॉर्च की, नाइस। थोड़े बहुत खिलाऊँ, कितने लेवल का है? 48 पे बैठ रहा है। एक्चुअली मैं इधर क्यों आया था मुझे नहीं मालूम, कि मुझे मैं करने लगा था इसका वो, इसका हील अप करने लगा था तो मैं भूल गया था इसलिए मैं क्या करने आया था यहाँ पर। स्पाइनो 8 लेवल का, क्या इसमें नहीं, इसको नहीं टेम करूँगा। गया भाई, खड़ा खड़ा मार लिया इसका मैंने, मतलब खड़े खड़े मैंने इसको मार दिया। इधर आ गया मैं ऑलमोस्ट। भाई इसमें बहुत पेड़ है एक्चुअली, तो यहाँ पर मैं आके बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दिया। गामा 2, ओ भाई साहब क्या लग रहा है, द आइलैंड वैसे बहुत ही ज्यादा ब्राइट। लाइट बूम नहीं है ऑन एक्चुअली, फिर भी साला ये कैसे गंदे सन्ने ग्राफिक्स आ रहे हैं, आई डोंट नो गाइस। अब साला ये एक्चुअली लोडेड नहीं हुआ ना पूरा अच्छे से, पता नहीं क्या लोड क्यों नहीं हो रहा गाइस, इतनी मेहनत करो और लोड नहीं होता साला। दिक्कत ही नहीं है, हम ऐसे ही खेल लेंगे। ओ भाई हम यहाँ आ गए, यहाँ एक्चुअली हमने एक बार घर बनाया था अपना सोलो में बहुत पहले। ओ भाई वो देख रहे हो गाइस, अब यहाँ देखो भसाड़ भसाड़ भसाड़, देखो भसाड़ 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 भसाड़, देखो भसाड़ पिराना मछली की ऐसी की तैसी, पाक साली पहली खोल सकते हैं। भसाड़ देखो भसाड़ भसाड़, ओ भाई साहब भसाड़ भसाड़, इसको मारो और पॉलीमर मिलेगा, नाइस। हमें जाना कहीं और था एक्चुअली, पहाड़ साइड जाना था, चलते हैं पहाड़ साइड, इधर साइड। तो गाइस पहाड़ साइड ऐसा करते हैं हम लोग, पहाड़ साइड ऐसा करते हैं ना हम लोग, अगले एपिसोड में चलते हैं यहीं से, अगले एपिसोड में हम पहाड़ साइड जाएंगे। तो ऐसा कर लेते गाइस, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो गाइस एक्चुअली हाँ गाइस, हाँ मैंने सोचा है तो यहीं पे अगला एपिसोड स्टार्ट करेंगे टू बी कंटिन्यू, क्योंकि हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, तो मैंने सोचा कि यहीं से अगली वीडियो स्टार्ट करेंगे। और ये शानदार, अगर आपको ये बैरियोनिक्स अच्छा लगा और इसका नाम आप कमेंट करके बताइएगा मेरे को, तो लाइक कीजिएगा गाइस, मज़े करिएगा, मज़े आते